नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रमाशंकर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मौर्या किचन अप्लायंस जे इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर एक नई टॉपिक पे वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉपिक क्या है, जली हुई फैन मोटर का ओरिजिनल डाटा कैसे निकालें, हाउ टू कैलकुलेट डाटा ऑफ बर्न फैन मोटर। दोस्तों, कोई फैन जब जल के आता है तो उसका ओरिजिनल डाटा हमें किस तरह से निकाल कर नोट करना होता है, उसी के बारे में एक वीडियो है। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए जली हुई मोटर है हमारे पास आई है, तो पहले इसके धागे वगैरह को हम काट लेंगे। उसके बाद इसके कनेक्शन को देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, अंदर से ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग बना दिया गया है, अंदर से ही कॉमन कर दिया गया है। तो कनेक्शन खोल लेंगे दोस्तों। तो इसमें इस कनेक्शन से भी देखा जा सकता है कि जो हमारा आगे का ब्लेड घूमेगा वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, वो तो आप ब्लेड से ही देख सकते हैं। तो हमें ये भी देखना है, ये कनेक्शन जो किया गया है क्लॉकवाइज में है अथवा एंटी क्लॉकवाइज में है। वो तो ब्लेड जैसे कूलर वगैरह में होता है, तो उसमें जो है जो एग्जॉस्ट फैन होता है उसमें कोई कोई जो है एंटी क्लॉक में चलता है, नहीं तो बाकी सब क्लॉकवाइज में ही चलते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें क्या देखना होता है, तो दोस्तों कनेक्शन हम यहीं से देख सकते हैं क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए हमें इसको खोल लेना होगा कनेक्शन को दोस्तों। तो यहाँ से जो है रनिंग स्टार्टिंग से दो दो वायर दिखाई पड़ेंगे, तो जब हम इसको खोलेंगे कॉमन वाला, तो हमको ये ध्यान देना होगा कि जो उसमें एक स्टार्टिंग से आया होगा वायर, उसको हमें पकड़ लेना होगा। मान लीजिए स्टार्टिंग से आया है कॉमन वाले में एक, तो अगर इस स्टार्टिंग वायर से दाहिनी तरफ, ये हमारा दाहिनी तरफ है, मान लीजिए इस तरह से आपने मोटर को रखा है, दाहिनी तरफ से अगर रनिंग का वायर आके इसमें मिला है तो समझ जाइए ये क्लॉकवाइज वाला कनेक्शन है दोस्तों। यदि इस स्टार्टिंग वायर में बाईं तरफ से एक रनिंग वायर मिला है आके कॉमन बनाया गया है, तो समझ जाइए इसका फैन जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इस तरह से यहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो उसके बाद हमको देखना है पोल, पोल देखना है दोस्तों, टू पोल में है अथवा फोर पोल की मोटर है ये। तो इसके लिए दोस्तों हम इसके इसमें देख लेंगे सेट। जैसे इसमें आप देख रहे हैं एक से आठ, एक से दस, एक से बारह है रनिंग की, फिर यहाँ से देख रहे हैं रनिंग का एक से आठ, एक से दस, एक से बारह है। खोलने के बाद ये दिखता दोस्तों, तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि ये टू पोल की है। टू पोल में दोस्तों पिच हमारी एक से आठ, एक से दस, एक से बारह होती है, और इसमें जो है एक से चार, एक से छः होता है फोर पोल में दोस्तों। तो इस तरह से हम यहाँ से देख सकते हैं कि फोर पोल की मोटर है या टू पोल की मोटर है। और इसके बाद दोस्तों जब हमें पोल पता हो जाएगा, जैसे पोल पता हो गया पिच के हिसाब से, पिच देखने के बाद तो हमको मालूम हो जाएगा अगर टू पोल की है तो 2880 आरपीएम होगा इसका चक्कर, इसका जो है 1440 के लगभग आरपीएम होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या देखना है, हमको पिच देखना है, वही एक से आठ, एक से दस, एक से बारह यदि है तो टू पोल की है, ठीक है दोस्तों, और एक से चार, एक से छः की है तो फोर पोल की है। और इसमें भी दोस्तों एक वाइंडिंग और होती है, बास्केट वाइंडिंग, बास्केट वाइंडिंग यानी कि चेन वाइंडिंग दोस्तों। तो अगर इस तरह से रहता है तो उसको भी आप देखेंगे, अगर फोर पोल की है उसमें एक से चार आल में रहता है फोर पोल में, और टू पोल में दोस्तों चेन वाइंडिंग अथवा बास्केट वाइंडिंग में
एक से सात में आल रहता है। तो दोस्तों ये जो टू पोल में होता है ये सिंगल लेयर की वाइंडिंग होती है दोस्तों, सिंगल लेयर। और फोर पोल में डबल लेयर, इसमें भी डबल लेयर, डबल सिंगल लेयर होता है दोस्तों। तो जो डबल लेयर की वाइंडिंग होती है यही चेन वाइंडिंग दोस्तों होती है, ठीक है। तो इसमें 2800 आरपीएम में भी ये होता है बास्केट वाइंडिंग चेन वाइंडिंग, और 1440 में यानी कि फोर पोल में भी होता है फैन में। तो इस तरह से भी हम डाटा में लिख लेंगे। और दोस्तों इसके बाद मान लीजिए दोस्तों हमने वायर को कट कर दिया, रनिंग स्टार्टिंग का वायर निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए मोटर हमने काट के इसको निकाल दिया है, तो रनिंग का जो है टर्न देखने के लिए हम इसको एक एक करके गिनती कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये काउंट हो गया, ये भी देखना है एल्युमिनियम लगा है कि कापर लगा है, उसको यहाँ भी नोट करना है। जैसे मान लीजिए कापर है तो कापर नोट करेंगे, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम नोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। स्टार्टिंग में कापर है तो कापर नोट करेंगे, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम नोट करेंगे। और टर्न दोस्तों मान लीजिए जो टर्न निकला, तो यहाँ जो रनिंग में जो पिच रहेगी जिस हिसाब से, जैसे टू पोल का है तो 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 रहेगा, तो उसमें देख लेंगे 1 से 8 में कितना टर्न है, 1 से 10 में कितना टर्न है दोस्तों, और 1 से 12 में कितना टर्न है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर फोर पोल की मोटर हमारी फैन है तो उसमें 1 से 4 में कितना टर्न है और 1 से 6 में कितना टर्न है, तो इसको दोस्तों देख लेना पड़ेगा और नोट कर लेना पड़ेगा। तो रनिंग का हो गया, सेम इसी तरह स्टार्टिंग के पिच में जो कॉइल पड़ी होगी अलग अलग 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 में, तो उसमें कितना टर्न होगा उसको नोट कर लिया जाएगा। और फोर पोल की जो है उसमें 1 से 4 में कितना टर्न होगा उसको नोट कर लेंगे, और 1 से 6 में पिच में कितना टर्न होगा उसको नोट कर लेंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों टर्न हो गया। अब इसका SWG निकालेंगे, स्टैंडर्ड वायर गेज, तार कितने नंबर का लगा हुआ है, और कापर है तो कापर दोस्तों हो गया नोट, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम। तो SWG निकालने के लिए माइक्रोमीटर लेंगे दोस्तों, आप जो सर्किल वाला माइक्रोमीटर आता है, खांचे कटे होते हैं उससे भी आप निकाल सकते हैं, गोल टाइप का होता है और इससे भी आप स्क्रू गेज से निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, मान लीजिए रनिंग की है, रनिंग का दोस्तों स्क्रू गेज में लगा के जो है इसका यहाँ से पढ़ के और आप चार्ट की मदद से मिला के MM स्क्वायर और देख लेंगे कितने नंबर का वायर है, उसी हिसाब से हम स्टार्टिंग का भी लगा के देख लेंगे नाप के निकाल के चार्ट की मदद से। तो ये हमारा वायर गेज हो गया, मान लीजिए 32 नंबर निकला तो 32 नंबर यहाँ लिख देंगे, कापर निकला तो कापर, एल्युमिनियम निकला है तो एल्युमिनियम दोस्तों, ठीक है। तो नोट हो गया हमारा SWG जो कि बहुत ज़रूरी है फैन में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एक नंबर कम, जैसे 32 लगा है 31 गलती से नाप लिए तो सारा डाटा गड़बड़ हो जाएगा, तो उस डाटा से भरेंगे तो फैन जल जाएगा। तो दोस्तों SWG में थोड़ा और देख लेते हैं, मान लीजिए टू पोल की मोटर है, तो दोस्तों किसी मोटर में जो है, जैसे टू पोल का हमारा फर्राटा है तो इसमें रनिंग का और स्टार्टिंग का दोस्तों एक ही वायर गेज होगा। जैसे मान लीजिए 32 निकला है तो रनिंग में भी 32, स्टार्टिंग में भी 32 रहेगा। और किसी फैन में कंपनी देती है, जैसे रनिंग में 32 है तो स्टार्टिंग में 33 निकलेगा, इस तरह से भी वाइंड हुआ रहता है फ़ैन। फोर पोल में दोस्तों अक्सर जैसे 5 ब्लेड का आपका ये हो गया फर्राटा फैन, ये जो आप देख रहे हैं 5 ब्लेड है, ये टू पोल का है दोस्तों। तो इसमें जो दोस्तों जैसे मान लीजिए 31 से भरा हुआ है, 31 नंबर एल्युमिनियम से ये, तो रनिंग में तो स्टार्टिंग में भी 31 नंबर एल्युमिनियम से हो सकता है इस तरह से भी, और स्टार्टिंग में दोस्तों 32 से भी हो सकता है, तो ये हमको ध्यान देना है। ये जो फोर पोल की आती है दोस्तों, फोर पोल में 5 ब्लेड में, तो दोस्तों इसमें जो है अक्सर 30 नंबर
रनिंग में और 32 नंबर स्टार्टिंग में कापर से रहता है दोस्तों। इसको एल्युमिनियम से भी भर सकते हैं, इस तरह से होता है। तो हमको वायर गेज निकालते समय बहुत ध्यान से देखना है, तार का गेज गलत ना हो। तो दोस्तों आगे नंबर स्लॉट का आ जाता है, हमको ये देखना रहता है कि हमारा ये फैन, चाहे ये छोटा फ़ैन हो चाहे बड़ा फ़ैन हो, चाहे एग्जास्ट हो या कूलर का हो, कूलर की 2 पोल में 4 पोल में हो, ये देखना होता है दोस्तों। ये स्लॉट जो खांचे बने हुए हैं इसको आप देख लेंगे कितना, मान लीजिए 24 स्लॉट का है ये। वैसे दोस्तों अक्सर आजकल सब ज़्यादातर 24 स्लॉट ही की ही मोटरें आ रही है, और दोस्तों 36 स्लॉट में भी होता है। वैसे छोटी मोटरें 8 स्लॉट 16 स्लॉट इस तरह से होता है, इसके ऊपर भी बड़ी मोटरों में हो जाता है 36 से 48 इस तरह से बढ़ता रहता है दोस्तों। वो अलग चीज़, यहाँ फैन की बात हो रही है तो स्लॉट हमको नोट कर लेना है। और दोस्तों एक चीज़ और, ये स्लॉट की गहराई भी आप नोट कर सकते हैं यहाँ से नाप के, ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों, आईडी ओडी से ही काम चल जाएगा। अभी आगे देखते हैं, तो इसको भी आप स्लॉट की गहराई इसको मेजर करके आप यहाँ लिख सकते हैं एमएम में, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, अब इसके बाद दोस्तों कॉइल लेंथ अगर अच्छी तरह से दोस्तों आप निकाल ले जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम बाइंडिंग है तो ठीक ठाक से निकल जाता है, यहाँ कट करके आप नाप सकते हैं। तो सेल्फ होके भी दोस्तों आप फिर से निकाल सकते हैं, वैसे खुद से फिर से निकाल लीजिए, वो बहुत बेहतर रहता है। कॉइल लेंथ, कॉइल साइज दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद दोस्तों फैन की जो है हम आईडी ओडी गोलाई और कोर को मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जल्दबाजी में अगर हमने जैसे इस तरह से रखा हो, इस तरह से ढीला ढाला करके नाप लिया, तो पता लगा आपने देख लिया कि 2 इंच है, जो कि वास्तव में नहीं है। यहाँ ऐसे नाप लिया आपने, लिख लिया 4 इंच है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आपसे बता दूँ इस स्टेटर की मोटाई और ये गोलाई, ठीक है, इसका इनर डाया आउटर डाया, ये बहुत मेन होता है दोस्तों। ये कोर साइज भी इसको अच्छी तरह से हमको एमएम में ही नापना चाहिए। तो इस तरह का स्केल लेते हैं, ये प्लास्टिक में भी आता है दोस्तों आर पार वाला, तो ये बढ़िया रहता है। इससे आप जो है एकदम उचित जो है फिक्स, जैसे यहाँ सुराख है, यहाँ सुराख देख रहे हैं आप, इस 2 को ले लीजिए आप एकदम फिक्स, यहाँ से लगा के एमएम में आप लिखिए। ये दोस्तों जैसे ये 62 एमएम में, कहने का मतलब है आईडी, जैसे मान लीजिए ये निकला हमारा 62 एमएम लिख लेंगे एकदम फिक्स निकाल के लिखना है, ये नहीं कि हम 65 लिख लिए, वहीं डाटा गलत हो जाता दोस्तों। जैसे हम नोट करके रखे हैं, और आजकल की मोटरों में थोड़ा बहुत अंतर करके आ जाता है, तो इसका डाटा आप दूसरे फैन में, इससे बड़ी जो आती है मोटर उसमें डाल देंगे तो मोटर जल जाएगी, इसलिए ये एमएम साइज एकदम फिक्स लिखना हमको। उसी प्रकार से ओडी लिखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम देख लेंगे, इस तरह से एकदम फिक्स निकालेंगे, ये 2 सुराख यहाँ से रखे, एकदम मेजरमेंट सही से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 108 है, मान लीजिए 108 हो गया, गोलाई हम अच्छी तरह से मेजर कर लेंगे यहाँ से, इंच में या सेंटीमीटर में ऐसा भी हो, वैसे इंच में भी आप निकाल सकते हैं, मीटर में भी निकाल सकते हैं, यहाँ वही 13.5 है, मान लीजिए जो भी हो छोटी बड़ी हो, इस तरह से दोस्तों ये हमारा निकल गया। कोर की बात करते हैं, कोर दोस्तों जैसे ही हमारा है तो कोर यहाँ पे मुक्त हो जाता है, कभी भी यहाँ से कोर लेंथ नहीं निकालना चाहिए, यहाँ से ऊपर से यहाँ देख रहे हैं चौड़ा, यहाँ पतला है, इस तरह से दबा है, उभरा हुआ है, दबा है, तो यहाँ से मेजर नहीं होगा सही। और यहाँ से हमको निकालना, तो ये जो ये पत्तियाँ कभी कभी ये बाहर हो जाती हैं बाहर की तरफ, उस स्लॉट का ये जो यहाँ से नहीं लेना हमको, दोनों तरफ से दोनों पत्तियाँ जो पूरा ये चिपका हुआ है, एक एक पीस चिपका हो, वहीं से हमको सही मेजरमेंट होगा। इस तरह से हम निकालेंगे, देखिए एकदम ठीक से 19 एमएम, तो 4 साइज निकल गया 19 एमएम। इस तरह से मेजर करके दोस्तों डाटा में ये चीज़ बहुत मेन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये और वायर गेज,
कितने नंबर का लगा है, कापर है या एल्यूमिनियम है, ये चीज़ें मुख्य हो जाती हैं। जैसे दोस्तों एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, कोर जो है, जैसे आप ये दो स्टेटर देख रहे हैं, दोनों का ये बराबर है, देख रहे हैं गोलाई दोस्तों एकदम सेम है, ठीक है। आईडी ओडी भी एकदम सेम है दोनों का, आईडी ओडी भी सेम है। ये जो फाइव ब्लेड फराटा फैन का स्टेटर है दोस्तों, जैसे ये भरा गया है, ये 6 फुट का है। तो जैसे अब हम ये देखिए, 7 फुट का है दोस्तों, ये 7 फुट है, ये 6 फुट। अब जब जैसे डाटा में आप एक और साइज़ अच्छी तरह नहीं लिखेंगे यहाँ से मेजरमेंट करके, यहाँ से तो यहीं डाटा गड़बड़ा गया। मान लीजिए आपके पास ये आ गई मोटर 7 फुट वाली मोटर, और आपने इसका डाटा लिख रखा है, इसका काट के 19 mm का, ठीक है दोस्तों, 19 mm का डाटा, यानी कि 6 फुट का डाटा आपने 7 फुट में डाल दिया इसमें, तो ये मोटर अच्छी तरह से कार्य नहीं करेगी दोस्तों, मोटर गर्म होगी। और क्योंकि हमारा जो लोड होता है फैन का, वो उस हिसाब से वाइंडिंग होती है, इसलिए दोस्तों कोर साइज़ को, ये स्टेटर की मोटाई को फिक्स से एकदम नाप के लिखना है। इसका मेजरमेंट आईडी ओडी और इसका ये जो गोलाई है, तो सब फिक्स लिखना है। एमएम में लिखे तो अच्छा है, तो इससे हमारा डाटा कभी गलत नहीं होगा और हम कस्टमर को गारंटी के साथ फैन वाइंडिंग करके दे पाएंगे। और आखिरी बात दोस्तों, इसमें जो है कैपेसिटर देख लेते हैं, कितने MFD का लगा हुआ है उसको आप नोट कर लेंगे, 3.15 का है कि 4 MFD का है कि 8 का है। तो कूलर वगैरह में दोस्तों 6 का है, उस हिसाब से रहता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। दोस्तों ऐसे ही मोटर वाइंडिंग से रिलेटेड बेसिक जानकारी से भरी वीडियो लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।